अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये मेरा चैनल होम गार्डनिंग और आज मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ आप लोग गर्मियों में कौन कौन सी सब्जियाँ ग्रो कर सकते हैं और किस तरीके से कंटेनर में इजीली लगा सकते हैं। तो कंटेनर में आप ये देखिए, छोटा सा कंटेनर है, इसमें मैंने लगाया है ये कद्दू। आजकल जो गर्मियों का सीज़न के हिसाब से जो सब्जियाँ लग रही हैं वो है कद्दू, ये देखिए, यानी कि पम्पकिन, ये देखिए, इस पर लगना भी स्टार्ट हो चुके हैं मेरे। और जो नेक्स्ट नंबर पे आती है सब्जी गर्मियों की वो है तोरी। ये देखिए, अगर मैं आपको दिखा सकती हूँ तो ये है मेरी तोरी की बेल और इस पे तोरी लगना भी स्टार्ट हो चुकी है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि फ्लावर लगा हुआ है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आता है करेला, यानी कि बिटर ग्राउंड। और ये देखिए, आप अगर दिखा सकती हूँ तो इस पर भी फल आना स्टार्ट हो चुका है। तो ये मेरी गर्मियों की सब्जियाँ। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ फोर्थ नंबर पे आप लोग क्या उगा सकते हैं। तो गर्मियों के सीज़न में आप लोग लगाते सकते हैं हरी मिर्च। और ये देखिए, ये मेरे चार प्लांट्स हैं हरी मिर्च के और इन पर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। और मैं आपको दिखा सकती हूँ तो ये देखिए, इन पर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है और अच्छा खासा फल भी लगा हुआ है। चले चलते हैं नेक्स्ट सब्ज़ी की तरफ। पाँचवें नंबर पे आता है टमाटर। आप लोग टमाटर घर पे ही ग्रो कर सकते हैं ईजिली, आराम से पनीरी से लगाएं, या फिर आप टमाटर का पीस काट के गोल सा रिंग शेप में वो भी आप किसी कंटेनर में लगा दीजिए। जब वो पनीरी बन जाए, थोड़ी सी बड़ी हो जाए, तो उसको आप लोग शिफ्ट कर दीजिए। ये देखिए मेरा माशाल्लाह टमाटर कितने ज़्यादा लगे हुए हैं, देखिए। और नेक्स्ट जो आती है सिक्स नंबर पे, वो सब्ज़ी भी हम आपको दिखाते हैं। सिक्स नंबर पे जो सब्ज़ी आती है वो है बैंगन। और ये देखिए माशाल्लाह, इस पर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है, इंशाल्लाह कुछ दिनों में ही इन पर फल लगना स्टार्ट हो जाएगा। जो अब सेवन नंबर पे गर्मियों की सबसे बेहतरीन चीज़ आती है वो हम आपको दिखाते हैं। सेवन नंबर पर जो सब्ज़ी आती है वो है खीरा। और माशाल्लाह मेरी ये बेलें जो हैं ग्रोइंग बैग में लगी हुई हैं, इस पर अच्छा खासा फल भी आ चुका है और खीरे लगना स्टार्ट हो चुके हैं। अब दिखाते हैं आपको नेक्स्ट एट नंबर पे आप लोग क्या लगा सकते हैं गर्मियों के सीज़न में। और जो सबसे बेस्ट है एट नंबर पे आप लोग लगा सकते हैं पुदीना, यानी कि मिंट। और मिंट इतना ज़बरदस्त और खुशबूदार है, इसको आप ईज़िली ग्रो कर सकते हैं जड़ों से ही। रूट्स आप लोग बाज़ार से भी बाय कर सकते हैं और रूट्स को ही कंटेनर में लगा दीजिए, कुछ दिनों में ही आप देखेंगे कि अच्छा खासा ये फैल जाएगा। तो आजकल सीज़न है, आप लोग लगा सकते हैं, यानी कि मार्च अप्रैल के दरमियान में, तो ये सब्जियाँ आराम से ग्रो हो जाएंगी और आपका हर चीज़ घर पे ही अवेलेबल होगी सब्ज़ी में। चलिए जी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।